हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। आज इनफाइनाइट सीरीज का लैक्चर नंबर 12th करन जा रहे हैं। आज असी कॉशी रूट टेस्ट ते डीलंबर्ट रेशो टेस्ट का प्रूफ करांगे। सो बड़े ही ध्यान दे नाल समझो, क्योंकि इन्हां नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनज आ वो असी ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सिंपल सी, मैं कहा सी कि मैं प्रूफ इन्हां दे बाद च करावांगा, इस करके अज मैं इन्हां दे प्रूफ करन जा रहा। सो सब तो पहला असी करांगे कॉशी रूट टेस्ट। कॉशी रूट टेस्ट की है, यदि स्टेटमेंट सब तो पहला स्टेटमेंट समझांगे असी। स्टेटमेंट की आ, इफ ए एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, दैन सिग्मा एन वन टू इनफिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एल लैस देन वन एंड सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कन्वर्जेंट सी जी टी एंड डाइवर्जेंट डी जी टी। तुसी पूरा भी लिख सकते हो, डाइवर्जेंट इफ एल ग्रेटर दैन वन। ये आज स्टेटमेंट कॉशी रूट टेस्ट, ए एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू एल, ए एन रेज टू पावर वन ओवर एन, ए एन रेज टू पावर वन अपॉन एन इज एल, देन सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एल लैस दैन वन एंड डाइवर्जेंट इफ एल ग्रेटर दैन वन। हुण असी इहदा करन जा रहे हैं प्रूफ। हुण असी करांगे इहदा प्रूफ, ठीक है जी। ए एन रेज टू पावर वन अपॉन एन प्रूफ। दो केस करांगे असी। केस फर्स्ट वैन एल लैस दैन वन, वैन एल लैस दैन वन। केस फर्स्ट एल लैस दैन वन की करो, चूज़ अपसाइलन विच इज़ पॉजिटिव हो एवर समॉल, जिन्ना तुहाडा दिल करे उन्ना छोटा लै लो, हो एवर समॉल सो दैट एल लैस दैन वन है। तुसी उहदे विच अपसाइलन ऐड करो, फिर भी वो एक तो छोटा ही रहे। एल लैस दैन अपसाइलन आ, तुसी उहदे विच अपसाइलन ऐड करो तां भी वो एक तो लैस ही रहे। इस हिसाब नाल तुसी अपसाइलन चूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ करो तुसी लिमिट लई तो तुहाडा आंसर तुहाडे कोल एल दी वैल्यू आ गई, सपोज़ करो वन अपॉन फोर, कहने का मीनिंग आ 0.25 आ गई तुहाडे कोल वैल्यू। तो की करो, अपसाइलन कुछ भी लै लो। जे तुसी अपसाइलन लै लोगे, हुण अपसाइलन सपोज जिन्ना मर्जी लै लो, 0.1 भी लै लो चाहे, तो की होएगा एल प्लस अपसाइलन 0.25 प्लस 0.1 भी करोगे तो तुहाडा आंसर आएगा 0.35 विच इज़ लैस दैन वन। सपोज़ करो तुहाडी एल दी वैल्यू आ, सपोज़ करो तुहाडी लिमिट दी वैल्यू आ गई 0.99 आ गई, तो मैं एप्साइलन की चूज़ करा, मैं एप्साइलन चूज़ कर लाँगा 0.00, जिन्ना मर्जी छोटा ले लो, हो एवर समॉल। तुसी ऐड करोगे एल प्लस एप्साइलन की आ जाएगा 0.991, अगेन लैस दैन वन। कहने का मीनिंग यह आ कि जे एल एक तो छोटा ना, कि एप्साइलन इन्ना छोटा चूज़ करना सो दैट एल प्लस वन भी वन तो लैस ही रहे। सो इस तरीके असी वो चूज़ कर लेना। हाँ जी, फरदर तुसी की करोगे, इनू आर ले लेना, वेयर आर एल प्लस अपसाइलन। एल प्लस अपसाइलन मैं आर दे नाल डिनोट कर लिया। फरदर सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए एन रेस टू पावर वन अपॉन एन सी एल, लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर दो। की सी डेफिनेशन? फॉर अपसाइलन ग्रेटर दैन जीरो
However small, there exist positive integer. There exist positive integer m belongs to n, such that modulus of तुसी फर्स्ट ईयर तो लैके हुण तक ये लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं उही असी अप्लाई कर रहे हैं ए एन रेस टू पावर वन अपॉन एन माइनस एल लैस दैन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम इस लिमिट की डेफिनेशन ए एन रेस टू पावर वन बाई एन माइनस एल लैस दैन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम हुण तुसी मोड की डेफिनेशन लगाओ मॉडुलस ऑफ एक्स लैस दैन ए माइनस ए लैस दैन एक्स लैस दैन ए ये असी डेफिनेशन हम चूज़ करांगे मॉडुलस ऑफ एक्स लैस दैन इज इक्वल टू ए विच इज़ माइनस अपसाइलन लैस दैन ए एन रेस टू पावर वन बाई एन माइनस एल लैस दैन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम ये रिजल्ट ता होल्ड करता जे एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम ए सो यह तो असं एज इट इज़ लिखते चलांगे हुण एल ऐड कर दो एल ऐड करोगे एल माइनस अपसाइलन ए एन रेस टू पावर वन बाई एन लैस दैन एल प्लस अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम उम्मीद करदा कि तुहानू समझ आ रही होएगी हुण बड़े ध्यान नाल देखियो मेरे कोल एल प्लस अपसाइलन है एल प्लस अपसाइलन है एल माइनस अपसाइलन की कितें गल नहीं हो रही इनू मैं नहीं लैना मैं सिर्फ ए एन वन अपॉन एन एल प्लस अपसाइलन की ही गल करांगा मैं बाकी इनू छड़ दांगा ठीक है जिस तरीके मैं ये कहां वन लैस दैन थ्री लैस दैन फाइव तो जे मैं वन ना भी लिखा तो भी ट्रू आ थ्री लैस दैन फाइव भी तो है ना सो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ थ्री लैस दैन फाइव है मैं वन क्यों लिखा मैं एक्सट्रा क्यों लिखा सो मेरी ए सी रिक्वायरमेंट फर्दर ए एन रेस टू पावर वन बाई एन लैस दैन ए सी एल प्लस अपसाइलन सी आर विच इज़ लैस दैन आर फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम फर्दर देखो फर्दर हाँ जी पावर एन रेज कर दो पावर एन रेज करोगे की आएगा ए एन लैस दैन आर रेज टू पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम पावर एन रेज करती दैन नाओ बट समेशन आर रेस टू पावर एन आर वेरीज फ्रॉम एन वेरीज फ्रॉम चाहे ना लिखो ऐसे लिख दो समेशन जे लिखना तो लिख दो एन वेरीज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी आर रेस टू पावर एन इज़ जीपी सीरीज ये जीपी सीरीज है समेशन आर रेस टू पावर एन की है एक जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशो किन्नी कॉमन रेशो आर आर इज़ लैस दैन वन विच इज़ लैस दैन वन बट समेशन जिदा समेशन लेने ना वो की आती एक जीपी सीरी बनती है वह कॉमन रेशो लैस दैन आर आ सो मैं कह सकता समेशन आर रेस टू पावर एन इज़ कन्वर्जेंट कि जीपी सीरी कन्वर्जेंट होएगी इफ आर लैस दैन वन सो ये कन्वर्जेंट होएगी क्योंकि जीपी सीरी है कन्वर्जेंट होएगा जे यदा समेशन कन्वर्जेंट आ सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट सो समेशन ए एन भी होएगा कन्वर्जेंट उम्मीद करता समझ आ गई होएगी मैं एक बार फिर रिपीट कर देना बड़े ध्यान ना समझो फर्स्ट केस एल लैस दैन वन चूज़ अपसाइलन मैं जिमें एक एग्जाम्पल दी सी ना कि अपसाइलन बहुत छोटा चूज़ करना ता जो ऐड करने भी तुहाडा आंसर वन तो छोटा ही रहे इस तरीके दे नाल तुसी वो चूज़ करना सो इनू मैं डिनोट कर लेना आर दे नाल विच इज़ आर लैस दैन वन वेयर आर एल प्लस अपसाइलन फिर असी लिमिट की डेफिनेशन लगाई फिर असी मॉडुलस की डेफिनेशन लगाई माइनस अपसाइलन लैस दैन ए लैस दैन माइनस ए लैस दैन एक्स लैस दैन ए दैन एल ऐड किया इनू असी छड़ दिता इस टर्म नू जस्ट ए ऐसी टर्म रखी एल प्लस अपसाइलन आर पावर एन रेज करती पावर एन रेज करन तो बाद ये दा जो समेशन आ वो कन्वर्जेंट क्योंकि ये जीपी सीरी आर लैस दैन वन ते ओ हुंदा कन्वर्जेंट
जे ए है तो बाय कंपेरिजन टेस्ट ए दा समेशन भी कन्वर्जेंट होएगा। हुण असीं करांगे केस सैकेंड। केस सैकेंड च वी कोई ज़्यादा चेंज नहीं आनी आ। की होएगा उहदे विच? सैकेंड केस विच होएगा एल ग्रेटर दैन वन, फिर असीं एप्सिलन चूज करांगे हाउ एवर स्मॉल सो दैट। उहदे विच की होएगा, बड़े ध्यान नाल समझना, एल की आ ग्रेटर दैन वन। एल जे ग्रेटर दैन वन आ तां मैं की करांगा, एल चों कुछ माइनस करांगा तां जो एक तो छोटा रहे, सॉरी ग्रेटर रहे। ठीक है जी, एल ग्रेटर दैन वन आ तो उहदे चों जे मैं थोड़ा जी एप्सिलन स्मॉल क्वांटिटी माइनस भी करा वह भी एक तो ग्रेटर रहे। इस हिसाब के नाल तुसीं एप्सिलन नूं चूज करना। इहनूं मैं डिनोट कर लाँगा आर आर ग्रेटर दैन वन, वेयर आर इज इक्वल टू एल माइनस एप्सिलन, एल माइनस एप्सिलन। उस तो बाद सेम डेफिनेशन अप्लाई करनी, सेम टू सेम डेफिनेशन अप्लाई करोगे इस स्टैप पर पहुँचोगे, इस स्टैप पर पहुँचोगे, बिल्कुल इतने पहुँचोगे। हुण एल माइनस एप्सिलन की गल हो रही है, एल माइनस एप्सिलन की, ए मैं स्किप कर दूंगा, कर दाँगा टर्म। सो एल माइनस एप्सिलन लैस दैन रेस टू पावर वन बाई एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। फरदर फरदर एन एन पावर रेज कर देंगे, बट उस तो पहला ए सी आर आर लैस दैन ए एन रेस टू पावर वन बाई एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। फरदर पावर एन रेज कर दो, पावर एन रेज करो। हाँ जी, पावर एन रेज करिए, पावर एन रेज करोगे आर रेज टू पावर एन लैस दैन ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। जै इस तरीके कह लो ए एन ग्रेटर दैन आर रेज टू पावर एन अगेन, बट समेशन आर रेज टू पावर एन इज जी पी सीरीज विद विद कॉमन रेशो आर ग्रेटर दैन वन। इतने आर मेरे को मेरे है ग्रेटर दैन वन, हेयर आर ग्रेटर दैन वन। जो कॉमन रेशो ग्रेटर दैन वन आ तो मैं कह सकदा, बड़ा बड़े ईजीली कह सकदा, सो समेशन आर रेस टू पावर एन इज डाइवर्जेंट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। जे इहदा समेशन डाइवर्जेंट आ तो जो उत्तों ग्रेटर टर्म है सो उहदा समेशन भी डाइवर्जेंट होएगा। यह सी साडा सैकेंड केस, ये नाल यह सी मेरा केस नंबर सैकेंड। ये नाल मेरा ये टेस्ट कंप्लीट हुंदा। की सी टेस्ट? ए एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ए एन रेस टू पावर वन बाई एन जे एल आ दैन ए समेशन कन्वर्जेंट इफ एल लैस दैन वन, वह असी पहला केस किया। सैकेंड केस एल ग्रेटर दैन वन, एल ग्रेटर दैन वन असी इदा लेना, एप्सिलन इदा चूज करना, माइनस करते भी वो आंसर एक तो ग्रेटर ही आए। सो आर मैच आर न डिनोट कर लिया आर लैस दैन एप्सिलन, दैन सेम डेफिनेशन अप्लाई की। फर्क की सी? ये टर्म नूं असीं स्किप कर रहे हैं, एल माइनस एप्सिलन मेरे को आर, फिर असीं आर एस टू पावर एन लैस दैन ए एन, दैन ए एन ग्रेटर दैन आर एस टू पावर एन। ये की है एक जी पी सीरी, समेशन आर एस टू पावर एन इज जी पी सीरी विद कॉमन रेशो ग्रेटर दैन वन, सो डाइवर्जेंट। सो यदा समेशन भी बाय कंपेरिजन टेस्ट डाइवर्जेंट होएगा। हुण असीं करांगे नैक्सट डी लंबर्ट रेशो टेस्ट। इस रेशो कोशी रूट टेस्ट नाल रिलेटड बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुके हैं पहले, तुसी देखोगे लैक्चर नंबर फिफ्थ, तुसी मेरी इस इनफाइनट सीरी चैप्टर का एक तुसी लैक्चर नंबर फाइव देखोगे, उहदे च तुहानू इहदे नाल रिलेटड बहुत सारे सॉल्वड सम मिल जाएंगे। तुसी प्लेलिस्ट ते जायो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट खोलियो, उत्थों तुहानू इनफाइनट सीरी पूरी मिलेगी जिहदे विच तुसी लैक्चर नंबर फाइव देखोगे, उहदे विच कोशी रूट टेस्ट के नाल रिलेटड वो सारे क्वेश्चनस मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक क्वेश्चन तुहानू करवाना, सपोज करो सानू ये गिवन आ, शो करनू क्या, शो दैट, सपोज करो ये एक क्वेश्चन आ, शो दैट, जां इदां कह लो टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरी।
वन प्लस वन अपॉन एन रेस टू पावर एन वन अपॉन थ्री रेस टू पावर एन। सपोज करो आ क्वेश्चन है टेस्ट का कन्वर्जेंस। पहला स्टैप ये कि सानू किवें पता चलूगा कि ये क्वेश्चन इस टेस्ट दे नाल होना रूट टेस्ट दे नाल होना, वो पावर तो पता चलना, वेरीएबल की पावर वेरीएबल आएगी, पावर भी वेरीएबल आ। तो की करना असी, साढ़े कोल एनथ टर्म की है वन प्लस वन अपॉन एन रेस टू पावर एन वन अपॉन थ्री रेस टू पावर एन, ये मेरे को ए एन की करांगे असी, लिमिट फाइंड करांगे एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए एन रेस टू पावर वन बाई एन, ये साडा स्टैप है। लिमिट लाओगे वो आएगी वन प्लस वन अपॉन एन इंटू वन ओवर थ्री, वन प्लस जीरो तो यदा आंसर आ जाएगा वन अपॉन थ्री विच इज़ लैस दैन वन, लैस दैन वन। तो जे लैस दैन वन आ गया, लिमिट दिया लिमिट का आंसर लैस दैन वन आ गया, सो असी बड़े ईजीली कह सकते हैं बाय रेशो टेस्ट समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट। सो ये हो गया कन्वर्जेंट। हुण असी करांगे कोशी रूट टेस्ट, सॉरी कोशी रूट टेस्ट असी कर चुके हैं, हुण असी करांगे डी लंबर्ट रेशो टेस्ट। हाँ जी, हुण असी करन जा रहे हैं डी लंबर्ट रेशो टेस्ट। आलमोस्ट सिमिलर ही है दोवें रेशो टेस्ट रूट टेस्ट। हाँ जी, की है स्टेटमेंट, इफ ए एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू जीरो एंड लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज एल, दैन समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एल लैस दैन वन एंड डाइवर्जेंट इफ एल ग्रेटर दैन वन। जो मैं समेशन लिखता तो यह समझना एन वेरीज फ्रॉम वन टू इनफिनिटी। हाँ जी, ये स्टेटमेंट हूँ असी करांगे दा प्रूफ, इस आर्टिकल दा प्रूफ डी लंबर्ट रेशो टेस्ट रेशो दी फॉर्म च आ। हाँ जी, तुसी देखोगे कि मैं एक्सरसाइज पहला करवा चुके हैं, तुसी जे मेरिया एक्सरसाइज देखनी है सॉल्व सम देखने तो लैक्चर नंबर सिक्स लैक्चर नंबर सैवन एंड लैक्चर नंबर एट, तीन लैक्चर दे विच मैं ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की। ठीक है जी, वो तुसी लैक्चर नंबर सिक्स लैक्चर नंबर सैवनथ ते लैक्चर नंबर एटथ वॉच कर सकते हैं। हाँ जी, फरदर इहदा करिए सोल्यूशन। हाँ जी, की बनिया इत्थे भी असीं दो केस लैने, एल लैस दैन वन एंड एल ग्रेटर दैन वन। केस फस्ट एल लैस दैन वन, अगेन चूज एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो हाउएवर स्मॉल। मैं अपने पिछले लैक्चर के समझा चुके हैं कि किस तरीके तुसी स्मॉल लेना, स्मॉल इस तरीके लेना सो दैट कि जे असी एल विच कुछ ऐड भी कर दिए, ए एप्सिलॉन ऐड भी कर दिए, सो दैट एल प्लस एप्सिलॉन तां वी उल एक तो लैस ही रहे। फरदर की कहांगे, आर लैस दैन वन वेयर वट इज़ आर, आर इज़ एल प्लस एप्सिलॉन। हाँ जी, फरदर लिमिट की डेफिनेशन लगावांगे, सिंस लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज़ एल फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम बिलोंग्स टू एन सच दैट की है डेफिनेशन, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल, ए एन प्लस वन ओवर ए एन माइनस एल लैस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम। उस तो बाद असी मोड की डेफिनेशन बिल्कुल सेम स्टैप चलते पे जो असी रूट टेस्ट किए, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लैस दैन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम। फरदर जिमें कि असी रूट टेस्ट किया एल प्लस एप्सिलॉन वाला केस लवेंगे, इनू असी छोड़ देना, इतने आना सी एल प्लस एप्सिलॉन।
ठीक है जी, एक स्टेप मैं होर करदा तां जो तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए। माइनस एल लैस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम, एल ऐड करोगे एल माइनस एप्सिलॉन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लैस दैन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम। इस साइड नूं मैं छोड़ देना तो की आ जाएगा मेरे को ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लैस दैन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम। ए सी मेरे को आर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लैस दैन आर फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम। इस स्टैप पर पहुँचों तो बाद फरदर फरदर की करना वो हम देखो, हूँ एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम, इस तो ग्रेटर कोई भी वैल्यू जो तुम इतने पुट करोगे तो वह आंसर आर तो घट ही आएगा। तो असी की करना, असी पुट करांगे, पुट एन नू एम करांगे, एम प्लस वन करांगे, दैन एम प्लस टू करांगे एंड सो ऑन, एंड विच असी एन माइनस वन पुट करांगे। की कह रहे असी एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम, एम तो स्टार्ट करके उस तो ग्रेटर वैल्यूज असी पुट करी जानियां एंड सो ऑन एन माइनस वन तक, एंड मल्टीप्लाई तो सारे असी कर देंगे मल्टीप्लाई, सारे कर दोगे मल्टीप्लाई। सब तो पहला तुसी एन नू एम पुट करो तो की आएगा मेरे कोल ए एम प्लस वन अपॉन ए एम, ये वाला स्टेप आ जाएगा ए एम प्लस वन अपॉन ए एम, इतने पुट किए मेरे को वाला स्टैप आएगा। लैस दैन आर होएगा वो भी की आ जाएगा इधर लैस दैन आर, नाल ही असी मल्टीप्लाई करी जाना। नैक्सट स्टैप एम प्लस वन पुट करोगे आएगा एम प्लस टू अपॉन ए एम प्लस वन इंटू आर, जो असी ए पुट करना उदो भी लैस दैन आर रहना। इदा ही नैक्सट स्टैप एम प्लस टू पुट करो एन नू, इतने आ जाएगा एम प्लस थ्री अपॉन ए एम प्लस टू, वो भी आ जाएगा लैस दैन आर, इधर भी असी मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं एंड सो ऑन। एंड विच की पुट करना एन माइनस वन, एन माइनस वन पुट करोगे तो आएगा मेरे को एंड विच ए एन अपॉन ए एन माइनस वन। लास्ट स्टेप विच जो पुट किया तो इधर भी एंड ते आ जाएगा मेरे को आर। ये टर्मा किनिया टर्मा सी मेरे को टोटल, ये किनिया टर्मा टोटल, इन्हों काउंट करिए। काउंट करन दा की तरीका, लास्ट टर्म माइनस फस्ट टर्म प्लस वन, सपोज करो तुसी काउंट करनिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन, किनिया टर्मा की मैथड आ लास्ट टर्म माइनस फस्ट टर्म प्लस वन, प्लस वन किनिया हो गई सैवन, काउंट कर लो। जो भी असी काउंट करनिया हो साड़ियाँ कंजेक्टिव टर्म्स आ सारियाँ, तो लास्ट टर्म माइनस फस्ट टर्म प्लस वन, इस तरीके असी उन्होंने ऐड सॉल्व करनी कि नंबर ऑफ टर्म्स किनिया, नंबर ऑफ टर्म्स किनिया हो मेरे को लास्ट टर्म माइनस फस्ट टर्म विच इज़ एम, लास्ट टर्म माइनस फस्ट टर्म प्लस वन, ये तो कैंसल आउट हो गया तो एन माइनस एम। सो मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स आ एन माइनस एम टाइम्स आए, एन माइनस एम टाइम्स इन्नी टाइम्स आ रही आर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किनिया जिन्होंने असी मल्टीप्लाई किया वो हैगी मेरे को एन माइनस एम, लास्ट टर्म माइनस फस्ट टर्म प्लस वन। हाँ जी, हुण जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आ कैंसल आउट हो रही टर्म, देखो इदा इस तरीके कैंसल आउट हो तो की बचिया जस्ट ए एन अपॉन ए एम, ये बचिया लैस दैन आर किन्ने टाइम्स आ रही है एन माइनस एम टाइम्स, सो आर रेस टू पावर एन माइनस एम। ओके, फरदर की लिख सकते हो ए एन अपॉन ए एम लैस दैन आर रेस टू पावर एन आर रेस टू पावर एम, इन मल्टीप्लाई करो सो ए एन लैस दैन आर रेस टू पावर एन इन टू ए रेस ए बेस विच एम ओवर, बेस विच लिखना ए एम
ओवर आर रेज टू पावर एन, इनू मैं के पुट कर लेना तो मेरे को आ गया के, ये हो गया के, वेयर के, वेयर के ए एम अपॉन आर रेज टू पावर एन। तो बड़े ध्यान समझना, बड़े ही ध्यान समझो, यदा हम जो मैं समेशन फाइंड करा, इनू मैं इस तरीके भी लिख सकदा, इनू मैं इस तरीके भी कह सकदा, इधर आ ही जाएगा, हाँ इधरली साइड पर कर लिए। हाँ जी मैं दोबारा लिख लेना स्टेप, ए एन लैस दैन के आर एस टू पावर एन, बट समेशन के आर एस टू पावर एन वेर के सम कॉन्सटेंट ही आना, इज जी पी सीरी, इज जी पी सीरीज विद कॉमन रेशो, विद कॉमन रेशो विद आर लैस दैन वन, इस केस विच की सी आर लैस दैन वन। सो वी कैन से समेशन के आर एस टू पावर एन इज कन्वर्जेंट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट। सो बहुत सिंपल सी प्रूफ है सी केस फर्स्ट, इदा ही हुण असी केस सैकेंड करांगे। मैं एक बार फिर रिपीट करदा कि की स्टैप किते, एल लैस दैन वन समेशन इस एप्सिलॉन इस तरीके चूज करना, सो दैट एल प्लस एप्सिलॉन लैस दैन वन, इनू तुसी आर दा नाम दे दो। सो बाद विच असी डेफिनेशन लगाई, इस स्टैप नू असी छोड़ देना, ये आ गया साडे को स्टैप, एल प्लस एप्सिलॉन इज़ आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करांगे इत्थे, एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम, सो पुट करांगे एन नू एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू एंड सो ऑन एन माइनस वन तक, तो इन्हों मल्टीप्लाई करांगे सारियां नू, मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके, आर भी मल्टीप्लाई होएगा ना आर, ठीक है जी, एम पुट किया वह भी लैस दैन आर, एम प्लस वन पुट किया वह भी लैस दैन आर, सारे मल्टीप्लाई किया वो एन माइनस एम टाइम्स लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस वन। सो कैंसलिंग तो बाद इतने पहुँच गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके असी एट वाली टर्म बना ली, इनू नाम के दे देना, यह सीरीज असी वार बार कह रहे हैं जी पी सीरी आ, ये कन्वर्जेंट इफ एल आर लैस दैन वन। सो बाय विच टैसट, कंपेरिजन टैसट, सिगमा ए एन इज़ कन्वर्जेंट। हुण असी इहदा सैकेंड केस करते हैं, सैकेंड केस की होना, अगेन केस सैकेंड थोड़ी थोड़ी चेंज कर चलनी आपां, सैकेंड केस की होएगा, एल ग्रेटर दैन वन, एप्सिलॉन इदा चूज़ करना कि एल माइनस एप्सिलॉन भी एक तो ग्रेटर रहे, एल माइनस वन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन वन, सो इनू आर का नाम दे दोगे आर ग्रेटर दैन वन, वेयर आर इज़ एल माइनस एप्सिलॉन, थोड़ी थोड़ी चेंजेस आनगियां, ये फिर सेम सेम चलता जाएगा, चलता जाएगा, फिर असी ये वाला स्टैप उठावे, ये वाला स्टैप लवेंगे असी हुण इस केस विच, तो दूसरे नूं असी आह वाला जो स्टैप है उन्होंने असी छड़ देंगे, की आ जाएगा मेरे को सैकेंड केस विच, सैकेंड केस, सैकेंड केस की लोगे एल माइनस एप्सिलॉन लैस दैन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम, ये की है मेरे को, ये है आर, आर लैस दैन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। हुण असी करते पए हाँ सैकेंड केस, असी करते पए हाँ केस सैकेंड, अगेन असी इदी करांगे, पुट करांगे इन्हां नू, पुट करांगे इनू, मैं इदां भी कह सकदा ए एन प्लस वन अपॉन ए एन ग्रेटर दैन आर फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम। फिर असी इस तरीके पुट करांगे, पुट करोगे इत्थे ग्रेटर आ मेरे कोल, इत्थे मेरे कोल ग्रेटर आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा ग्रेटर, इत्थे आ जाएगा ग्रेटर, दैट्स इट, इत्थे ग्रेटर आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं हो, इत्थे ग्रेटर आ जाएगा, इत्थे भी ग्रेटर आ जाएगा, सो वेयर के इज दिस, इत्थे भी ग्रेटर आ जाएगा, ग्रेटर। हुण के रेस टू पावर एन इज जी पी सीरी, आर ग्रेटर दैन वन, सो जे आर ग्रेटर दैन वन होवे, कॉमन रेशो ग्रेटर दैन वन होवे, दैन दिस जमैट्रिक सीरी इज डाइवर्जेंट, ये की होएगी डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, ये साडा
रेशो टेस्ट कह लो चाहे डी अलंबर्ट रेशो टेस्ट कह लो, गल एक ही आ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देना, इसी केस सैकेंड विच वन दिस वन एल दिस वन एल ग्रेटर दैन वन। सो एप्सिलॉन इस तरीके चूज करना ता जो एल माइनस एप्सिलॉन भी एक तो ग्रेटर रहे, एक तो ग्रेटर रहे। सपोज करो ताड़ी एल दी वैल्यू आ जाती है 1.9 जा कह लो 1.0001, तो तेनों कह देने ना एक तो ग्रेटर है। फिर एप्सिलॉन इस तरीके चूज करना कि जो ये जो माइनस भी कर दिए, जे तो तुम ले लोगे 0.9 ले लोगे, फिर तो माइनस करोगे, फिर तो एक तो ग्रेटर आना ही नहीं। सो सन बहुत छोटा चूज करना पड़ेगा, 0.000 जिनी मर्जी जीरोज लगा दो, हम तुम एल चो एप्सिलॉन माइनस करोगे जो भी आंसर आएगा वो एक तो ग्रेटर ही रहेगा। सो इस तरीके तुम चूज करना, क्योंकि हाउएवर स्मॉल जिन्ना मर्जी छोटा ले सकते हैं कि वह एक तो ग्रेटर ही रहे। सो उन्होंने मैं आर देना डिनोट कर लूँगा। सो ए एल लिमिट की डेफिनेशन लगाई उस डिटरमिन सॉरी उस मॉडल्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने खोलिया, माइनस ए लैस दैन एक्स लैस दैन ए, वो वाला असं रिजल्ट चूज किया, दैन एल एड किया। फिर असं ए वाला स्टैप छड़ देंगे, इस स्टैप की हम सू जरूरत नहीं क्योंकि इतने मेरे को एल माइनस एप्सिलॉन है। इस स्टैप पर पहुँच गए, इस स्टैप तो बाद एल माइनस एप्सिलॉन से मेरे को आर, सो आर पुट कर दिता आर, दैन थोड़ा इंटरचेंज करके लिखा, दैन पुट एन एम एम प्लस वन। क्यों पुट किया? क्योंकि एन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एम सी। सो फस्ट वैल्यू सी एम, दैन एम प्लस वन, दैन एम प्लस टू एंड सो ऑन एन माइनस वन। तो उन्होंने सारे मल्टीप्लाई किया ग्रेटर आर एन ओवर आर एम, ये तुम सारे स्टैप समझा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तुम इस तरीके। उन्होंने असी के का नाम दे देना, एक जमैट्रिक सीरी है, एक डायवर्जेंट होएगी। क्यों? क्योंकि आर सी मेरे को ग्रेटर दैन वन। जे ए डायवर्जेंट है तो जो ग्रेटर वाली सीरी है वह भी डायवर्ज होएगी। ठीक है जी, ये सी मेरा कोशी सॉरी डी लंबर्ट रेशो टेस्ट। ठीक है जी, ओके, अज का ये लैक्चर कंप्लीट होंदा। तो जे मेरा वीडियो ठीक लग्या होए, जे लैक्चर ठीक लग्या होए तो तुसी वीडियो नू लाइक जरूर करो। थैंक यू।